हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और एक्सेल की क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में कि एडवांस फिल्टर का कैसे प्रयोग किया जाए। तो अभी तक थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, हमने आपको पिछली क्लास में पाइवोट टेबल के बारे में बताया, याद आ रहा है सबको? किसके बारे में? पाइवोट टेबल। और इसी पाइवोट टेबल में हमने आपको क्या बताया था कि यदि आप ऐसे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो इसमें आप शॉर्ट फिल्टर भी लगा सकते, याद आ रहा है सबको ना? क्या चीज की आप सेलेक्ट करिए पूरे हेडर को और शॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए और यहाँ पे फिल्टर लगा सकते। तो ये किसके लिए था कि सिर्फ आप नेम में निकालना चाहते हैं किसी टेक्स्ट के माध्यम से तो ही निकाल सकते, लेकिन अगर हम ये कहें कि आप इसमें हमको ये दिखाइए कि जो रेट दिया गया है ना, तो 1500 से किसका रेट अधिक है उससे कम वाले को हमको नहीं जाना। तो क्या इसमें कहीं ऐसा फिल्टर दिया है कि हम 1500 से अधिक वाले को ही जानेंगे? बार बार चूज करना पड़ेगा ना, हम सेलेक्ट करेंगे और उसका देखेंगे कहाँ किसका 1500 से अधिक है, किसका है, फिर इसका, फिर इसका है। ऐसे सर्वे करेंगे तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना। हम चाहते हैं नहीं, एक ही बार हम ऐसा फार्मूला लगाएं कि जिसके माध्यम से हम क्या कर सकें कि एक ही बार हम सारा डाटा निकाल। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? एडवांस फिल्टर। अब देखिए फिल्टर दो है, एक शॉर्ट फिल्टर और दूसरा एडवांस फिल्टर। कितना फिल्टर हो रहा है? एक शॉर्ट फिल्टर और दूसरा एडवांस। तो शॉर्ट फिल्टर हमने आपको बता दिया, तो ये क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई टेक्स्ट पे अप्लाई करना हो हम किसका प्रयोग करेंगे? शॉर्ट फिल्टर का। लेकिन अगर जो हमको नंबर पे अप्लाई करना हो किसी टेक्स्ट को, किसी कोई अगर जो वैल्यू दिया गया हो उस पे अगर हमको अप्लाई करना हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवांस फिल्टर का। सपोज करिए कि हम यहाँ पे एक डाटा बना लिए, जैसे हमने पहले यहाँ दे दिया नेम, और नेम के पास हम यहाँ टाइप कर दे रहे हैं सेल 2010, उसके पास लिख रहे हैं सेल 2011, उसका लिख रहे हैं सेल 2012, और उसका सेल 2000। कितना तक का डाटा दिख रहा है सबको ना? चलिए एक और हेडिंग हम इसमें बढ़ा लेते हैं, किसका? सीरियल नंबर। इतना क्लियर सबको ना? अब हमने ऐसे डाटा बना लिया, अब इससे हमको थोड़ा सा डाटा फिलअप कर लेना है। डाटा फिलअप करने के लिए क्या करेंगे? सीरियल नंबर सबको पता है ना कि 1 करेंगे और एंटर करके 2, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे? ड्रैग। जहां तक से नेम है तो नेम हम यही से क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट करके कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और अपने सीट पे लाके क्या कर लेते हैं? हमने यहाँ पे नाम भी कॉपी पेस्ट कर लिया, नाम भी टाइप कर। अब डाटा क्या बनाना है कि अफजल जो है 2010 में कितना सेल किया, 2011 में कितना, 2012 में कितना, और 2013। ये डाटा पता है कब निकाला जाता है? आप लोग देखे होंगे कुछ कंपनियां ऐसी होती है ना कि जो क्या करते हैं कि जिस साल कुछ अधिक सेल हो जाते हैं उस साल जो सेल्समैन होते हैं उनको ट्रीट पर देते हैं, सबको नहीं देते हैं, जो जिसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा उसी को ट्रीट पर देते हैं, या जब कुछ अवार्ड देना होता है जिसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा उसी को अवार्ड दिया जाएगा, सबको तो दिया नहीं जाएगा। तो वही हमको इसमें फिल्टर करना हो तो सपोज करिए हम यहाँ रैंड बिटवीन से निकाल ले रहे हैं, इक्वल रैंड बिटवीन, और हम ले लिए कि 10,000 से लेकर, और ये कहाँ तक सेल हुआ है? तो 30,000। कहाँ तक? 30,000। ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और यहाँ से कर लिए इंटर, और यहाँ से हम कर दिए नीचे तरफ ड्रा और क्लिक। आ गया सब में ना? एक चीज और थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे बता दें कि ये हमको ड्रा करना पड़ा है, ड्रा किए है ना, तभी तो आया सबका। हम चाहते हैं कि बिना ड्रा किए सबका डाटा आ जाए, एक बार फॉर्मूला लगाए और कहीं हमको ड्रा करने की आवश्यकता ना पड़े। उसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेना है जहां तक आपको डाटा चाहिए, दिख रहा है सबको ना? यानी कि ये हम पहले यहाँ फार्मूला निकालने, एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, इक्वल किए रैंड बिटवीन किए, लिखिए यहाँ पे 10,000 कॉमा फिर कितना 30,000, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ड्रा करना पड़ रहा है ना, कि यहाँ से हम पहले नीचे की तरफ ड्रा करेंगे और उसके बाद किधर ड्रा करेंगे? राइट साइड की तरफ। तो कुछ ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा करें कि एक ही बार में सब में आ जाए, हमको ड्रा करने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिए, तो पहले आप सेल में आ जाइए और यहाँ से ड्रा कर, ऐसे पहले ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है सबको ना? सेलेक्ट करने के बाद से अब आप फार्मूला लगा लीजिए, क्या? इक्वल रैंड बिटवीन, कहाँ से नंबर देना है? 10,000 कॉमा फिर कहाँ तक? 30,000, और ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? दिख रहा है सबको ना? तो
तो क्या आप इंटर करेंगे? इंटर नहीं करना है। अब आपको इंटर तो करना है लेकिन कंट्रोल के साथ इंटर कर। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए जैसे हम कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा रहे तो क्या हमको ड्रा करना पड़ा है? सब में वैल्यू अपने आप आ गया, हमको ड्रा करने की आवश्यकता नहीं। ये हमने इसलिए बता दिया कि अभी छोटे डाटा में आप लेके आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है? ड्रा करना पड़ा तो कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये यदि बड़ा डाटा हो तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। उस टाइम की बचत करने के लिए हम पहले ही पूरे टेबल को क्या कर लेंगे, एक बार जितना होगा सारा सेलेक्ट कर, क्या कर लेंगे? और सेलेक्ट करने बस हमको फॉर्मूला लगा लेना, जो भी लगाना होगा, इक्वल रेंट बिटवीन 10,000 से लेकर के कॉमा कहाँ तक, 30,000, ब्रैकेट को क्लोज करें। यदि आप इंटर करेंगे तो बस उसी में रह जाएगा, लेकिन सब में लगे क्या करेंगे, बस कंट्रोल के साथ इंटर। आया सब में ना? अब हम कॉपी के यहाँ से और वैल्यूम क्या कर देंगे, अब एक और कॉलम यहाँ बढ़ा लेते हैं हम टोटल का। आ गया ना? अब इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इक्वल सम। तो सम करने के लिए हमने आपको तीन तरीका बताया था। पहला हमने शॉर्टकट के बताया था, याद है? शॉर्टकट क्या बताए थे? अल्ट के साथ इक्वल टू, कि यदि हम अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाते हैं तो ये ऑटो सम करेगा, याद आ रहा है सबको? और दूसरा चीज कि यदि आप कर्सर रखें यहाँ पे और ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो अपने आप ही ऐड कर देगा, दिख रहा है सबको ना? कहाँ क्लिक किए हैं? ऑटो सम। और ऑटो सम का शॉर्टकट की क्या बताया हमने, अल्ट के साथ इक्वल टू। जैसे अल्ट के साथ इक्वल टू करेंगे अपने आप क्या कर लेगा, और इंटर करिए। एक का निकल गया तो हम ड्रा करके सबका क्या कर लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत अभी यहाँ तक? ये तो डाटा ऐसे बन गया ना। लेकिन डाटा में क्या कहा जा रहा है कि अगर जो 2012 में जिसने अधिक सेल किया होगा ना, उसी को हमको क्या करना है, कुछ रिवार्ड देना है, या तो उसको ट्रिप पे भेजना है, या कोई जो भी काम करना होगा वो करना है। तो किस सन में कहा जा रहा है, 2012। तो कितना से अधिक, तो सपोज करिए कहा जा रहा है कि जिन लोग का 20,000 से अधिक होगा ना, कितना से, 20,000 से अधिक होगा, सिर्फ उसी पे हमको एक्शन लेना है, बाकी और किसी पे एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं। तो बड़ा डाटा तो हमको फिल्टर करने में कुछ समस्या होगा कि नहीं होगा? समस्या होगा ना। उसके लिए बस एक ही तरीका है कि हम किसका प्रयोग करेंगे, एडवांस फिल्टर। फिल्टर करेगा एक एडवांस तरीके से, कैसे? चलिए पहले हम हेडिंग को कर लेते हैं यहाँ से अपने अनुसार फॉर्मेट, दिख रहा है सबको ना? अब इसी हेडिंग को पहले हम क्या करेंगे, सेले करके कॉपी और नीचे लाके क्या कर लेंगे, कहीं आ गया यहाँ पर ना। अब किस सन में कहा जा रहा है, 11 में कहा जा रहा है 11 में टाइप करिए, 12 में कहा जा रहा है तो 12 में, 14 में कहा जा रहा है 14 में, 10 में कहा जा रहा है तो किस में कहा जा रहा है, 12 में टाइप कर दीजिए, कितना से अधिक, 20,000 से ना। तो बस आप यहाँ पे करिए इक्वल और डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब समझा रहा है ना? ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, अधिक, और लेस देन का मतलब कम। तो हमको 20,000 से अधिक जाना है तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, ग्रेटर देन 20, और कम जाना होता तो लेस देन 20,000। और फिर डबल इनवर्ट कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज, और कर देंगे फिल्टर। आ गया ग्रेटर देन 20,000 ना। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको आना है डाटा टैब में। जैसे डाटा टैब में आएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा एडवांस, दिख रहा है ना? ये फिल्टर हम लोग अभी पढ़ लिए हैं, फिल्टर का शॉर्टकट की कल बताए थे आप लोग को, याद है क्या बताए थे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यल। और जैसा हम एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसे ऑप्शन लेके आएगा। पहले क्या कह रहा है, लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब क्या, क्या पूरे डाटा को बताइए कौन सा डाटा है, हम पूरे डाटा को क्या कर लेंगे, हो गया ना? अब क्या कह रहा है, क्राइटेरिया दिस। तो क्राइटेरिया हम नीचे यही दिए हैं ना, तो देखिए हेडिंग के साथ जो नीचे फार्मूला लगा है ना, इन दोनों को सेलेक्ट करना हो, और फिर क्या करना है, यूनिक रिकॉर्ड को टिक करना है और यहां से कर लेना है। तो जब आप 2012 में देखें, क्या किसी का 20,000 से कम दिख रहा है क्या, 2012 वाले में कोई ऐसा डाटा इसमें दिखाई जो 20,000 से कम हो, है 20,000 से कम, सिर्फ क्या आया 20,000 से। लेकिन वैसे हमको काउंट करने के लिए कह दिया जाता तो कुछ समय लगता है कि नहीं लगता?
अब ऐसे समय लगा है, चलिए अब पुनः हम यहाँ से फिल्टर को क्या कर लेते हैं, क्लियर। एक बार और रिपीट करना, ध्यान दीजिएगा, इसको हम पुनः क्लियर करके हटा दें, हो गया ना। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि इस आपका डाटा है, और इस डाटा में जो आपका हेडर दिया गया है ना, तो अब आपको 2014 में जितने लोग 20 साल से अधिक होंगे उनको आपको अलग करके दिखाना है। आ रहा है समझ में ना? तो ऐसे, और जो कहा जाता, पहले आप पूरे हेडिंग को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी और कहीं दूसरी जगह ला के क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब इतना करना, उसकी सन में कहा जा रहा है 2014, तो आ जाइए यहाँ पे। बस आपको करना क्या है, इक्वल और डबल इनवर्टेड कॉमा, कम जानना कि अधिक, कोई जरूरी है 20,000 से ही जानना हो, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, जितना जानो उतना टाइप कर दो, कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें कहा जा रहा है ग्रेटर देने, यानी अधिक से अधिक कितना, 20,000 ही ले लेते हैं, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर लिए, तो फिर क्या कर लेंगे। अब कहाँ जाना है, डाटा टाइप, और डाटा टाइप के वास्ते एडवांस, और उसके बाद से लिस्ट रेंज में देखिए किसको सेलेक्ट करना है, पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है, ना कि क्राइटेरिया, पूरे लिस्ट रेंज हमने डाटा को सेलेक्ट कर लिया है ना। और जब क्राइटेरिया रेंज में आएंगे, आपको क्राइटेरिया रेंज पूरा हटा लेना है बैक स्पेस करके, और पहले तो हेडिंग, और हेडिंग के साथ जो आप नीचे फार्मूला लगाए इसको भी क्या कर लेंगे, और यहां से क्या करेंगे, यूनिक रिकॉर्ड, और यूनिक रिकॉर्ड करने के बाद से देखिए इसमें सिर्फ 20,000 से अधिक वालों को बता रहा है ना, कौन कौन है, तो राजन है, नूर आलम है, राम है, रवि है, अजय, तो निकल जाएगा। लेकिन यदि एक और काम हम इसमें चाहते हैं कि डाटा यहीं फिल्टर कर दे, यहाँ नौकरी बल्कि कहीं और पे कर, कि डाटा ऐसे रह जाए लेकिन जिसका 20,000 से अधिक उसका कहीं और फॉर्म पे पेस्ट कर, उसके लिए क्या करेंगे, जब हम जा रहे हैं एडवांस में ना, तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि इसका कॉपी टू एनदर लोकेशन, क्या दिखाई दे रहा है, कॉपी टू इन अदर लोकेशन। तो अब पहले आपको लिस्ट रेंज में किसको सेलेक्ट करना है, ऑल टेबल, क्राइटेरिया रेंज में किसको, जो आपने नीचे हेडिंग और फार्मूला लिखा है उसको, फिर कॉपी टू इन अदर लोकेशन को क्या करेंगे, ऑन करें। तो अब देखिए कॉपी टू का लोकेशन हाईलाइट हुआ है ना, तो अब कहाँ देना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कर लिए, हम यहाँ देना चाहते हैं, फिर यूनिक रिकॉर्ड को क्या करेंगे, टिक करेंगे, और यहाँ से अब देखिए, अब ये क्या अलग आ गया डाटा, यहाँ पे आपका सारा डाटा तो ऊपर है ही, लेकिन ये डाटा कहाँ पे आया है, तो दूसरे सीट का हम जगह दे देंगे। आ रहे समझे ना कैसे, तो चलिए हम इसको यहाँ से कर दिए, होम टैब में गए और क्लियर ऑल कर, कहाँ जाएंगे हम, डाटा टैब, एडवांस, और लिस्ट रेंज में किसको सेलेक्ट कर लेना है, पूरे टेबल को, फिर क्राइटेरिया में हेडिंग को और फार्मूला, फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, और देखिए यहाँ से हम हटा के और कहाँ ले चले जाएंगे, अगले सीट पे लेके जाना है ना, नया सीट ऐड करिए, पहले नया सीट ऐड कर लिए। अब नया सीट ऐड करने कहाँ जाएंगे, डाटा लिस्ट में सारा टेबल सेलेक्ट है ना, फिर क्या करेंगे, क्राइटेरिया में सेलेक्ट करेंगे अपने फॉर्मूला से हेडिंग को, कॉपी टू अनदर लोकेशन, अब यहाँ से कॉपी टू में हमको क्या करना है, बस आ जाना है दूसरे सीट पे, और यहाँ लाना है, सेलेक्ट करेंगे यूनिक रिकॉर्ड और सिर्फ एक्टिव सेल पे ही किया जा सकता है, दे रहे हैं आप, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव सीट, यानी कि जिस सीट पे हम रहेंगे, जिस जो सीट एक्टिव रहेगा ना, बस उसी सीट पे कर सकते हैं, बाकी और किसी सीट पे नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? तो यदि हम इस सीट पे हैं, तो यही का कहीं लोकेशन देंगे, और जैसे ओके करेंगे सारा डाटा कॉपी करके निकल जाएगा, तो थोड़ा सा हेडिंग ये नोट कर लीजिए डाटा ऐसे। तो आज आप लोग ये एडवांस फिल्टर ट्राई करिएगा, और कल की क्लास हम लोग जानेंगे मैच एंड इंडेक्स का फॉर्मूला, कौन सा, मैच एंड इंडेक्स। आज के लिए बस इतना ही।